अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं दोबारा वेलकम करता हूं आपका अपने चैनल दोबारा प्रेस में। सबसे पहले दोस्तों आज की इस वीडियो में एक सैड न्यूज़ आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी जो कि हमारे इस वाले पोर्शन में है। तो अभी सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं, मैं अभी दाना पानी चेंज करता था सबका, मैंने दाना पानी चेंज कर लिया। ये इस वाले पोर्शन का मैं डालने लगा था लेकिन इसका जो एक मेल था वो काफ़ी सैड सा होकर बैठा हुआ था, तो मैंने गौर से देखा है। तो चलिए मैं आपको दिखा ही देता हूँ क्या हुआ। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे वो एक हमारी फीमेल जो है वो एक्सपायर हुई पड़ी है और इससे साफ पता चल रहा है जिस तरह से वो ज़ख्मी हुई हुई है, इसे दूसरी फीमेल ने मारा है, इस वाली फीमेल ने। और यहाँ पर अंडे भी गिरे हुए हैं, तो मैं अंडा उठाने लगा था तो मेरी नज़र अचानक वहाँ पे गई है, तो वहाँ पे फीमेल जो है वो एक्सपायर हुई पड़ी थी। वो एक अंडा आपको पीछे भी नज़र आ रहा होगा। तो सबसे पहले हम इस अंडे को उठाकर बाहर निकालते हैं। तो ये अंडा बिल्कुल नया है जी, अंडा बिल्कुल नया है ये वाला अंडा। तो चलिए इस अंडे को रखते हैं साइड पर और इस फीमेल को बाहर निकालते हैं। दोस्तों इस फीमेल के ऊपर आप देख सकते हैं काफ़ी सारी चूंटियां आ गई हुई थी, तो जिसकी वजह से इसे मैंने चोपड़ में डाल दिया। और इसके अलावा जो मैंने अंडा यहाँ पर रखा था वो तो मैं आपको अंडा दिखा दूँ, इसके अंदर नाड़ बन रही थी यार, यानी कि इसके अंदर ना बच्चा फर्टाइल, ये अंडा फर्टाइल था तो बच्चा बन रहा था, लेकिन इन्होंने लड़ाई के दौरान बाहर फेंक दिया और वो ख़राब टूट गया, उसके अंदर थोड़ा सा क्रैक आ गया और वो ख़राब हो गया। इसके अलावा जो है ये जो सही वाली फीमेल है, इसका जो मेल है ना ये वाला, वो इस मेल को अब तंग कर रहा है, ये काफ़ी सुस्त होकर बैठा है ये वाला मेल भी। तो अभी हमें इसे भी बाहर निकालना पड़ेगा, तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले इसे बाहर निकालते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया था इन्होंने अंडे दे दिए हुए हैं, तो आज इंशाल्लाह इनके एग कैंडलिंग करते हैं और इंशाल्लाह सभी अंडे इनके फर्टाइल होंगे और उनमें कई मुझे चांस है कि उनमें से अंडों में से बच्चे भी निकल चुके हों। तो चलिए चलते हैं एग कैंडलिंग करते हैं, पहले देखते हैं अंडों का क्या हालत है तो फिर एग कैंडलिंग भी करेंगे। चलो अंदर चल के देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अंडे थे दो मेरे ख्याल से, या पता नहीं चार थे, जिनमें से सिर्फ एक ही अंडा नज़र आ रहा है हमें। इसके अलावा यहाँ पे दो अंडे थे और यहाँ पे तीन हो चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पे भी चार अंडे थे मेरे ख्याल से और चार के चार ही थे यहाँ पे। और यहाँ पे क्या सूरत हाल है जी, यहाँ पे दो अंडे थे, यहाँ पे तीन हो चुके हैं। तो अंडों में से बच्चे तो नहीं निकले, तो पिछले हफ्ते मैंने चेक किया था यानी कि आज से पूरे 7 दिन पहले तो यहाँ पे अंडे आए हुए थे। तो चलिए चेक भी कर लेते हैं अंडे, 2-3 मटकियों के चेक करेंगे, ज़्यादा नहीं। अभी इस मटकी को उतार लेते हैं, उतार के यहाँ पे रख लेते हैं जी। और अंडा एक है जी यहाँ पे, बच्चा कोई नहीं निकला हुआ, अंडा भी गायब हो, अंडे भी गायब हो चुके हैं, इसमें से 3 अंडे गायब हो चुके हैं। तो ये अंडा अभी चेक करेंगे इसे हम, तो ये जी इनफर्टाइल अंडा है जी, तकरीबन इसे हफ्ते से ज़्यादा हो गया, मैंने देखा था पहले हफ्ते से पहले। तो ये हमने बाहर रख देना है और इसे वैसे ही लटका देते हैं अपनी जगह पर। इसके अलावा हम ये पानी उठा लेते हैं यहाँ से, ये तंग कर रहा है, और आगे चलते हैं। अब इसे उठाते हैं यहाँ से, माशाल्लाह जी 3 अंडे हैं यहाँ पे, लेकिन नेस्टिंग इतनी कोई ख़ास नहीं की हुई और तीनों अंडे मुझे इनफर्टाइल लग रहे हैं। ये निकाल लिए हमने अंडे और आप देख सकते हैं कैसे फिंकीज आकर देख रही हैं अपनी मटकियों को। तो ये आप देख सकते हैं अंडे में तो वैसे सुराख है, इनफर्टाइल है ये पक्का। बकाया 2 चेक कर लेते हैं जी, ये भी ख़राब है, ये भी इसमें भी सुराख है जी। और ये अंडा जो है ये भी ख़राब ही लग रहा है मुझे जी, हाँ बिल्कुल ये भी ख़राब है। तो अब इसे भी वापस इसकी जगह पे लटका देते हैं, इस मटकी को भी। जी इस मटकी को भी इसकी जगह पे लटका दिया, अब इस वाली को उतार के देखते हैं क्या इसके अंदर सूरत हाल है।
तो इसमें तो नेस्टिंग तो काफ़ी हद तक अच्छी की हुई है इन्होंने, जो कि होनी भी चाहिए। ओहो, एक अंडा दोस्तों टूटा हुआ है, तीन अंडे सही हैं। अब देखते हैं क्या हाल है इनका। तो अभी हम अंडे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, ऊपर से निकाल लेते हैं। फिर आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तो दोस्तों इस अंडे को हम यहाँ पर रख लेते हैं। फर्टाइल था लेकिन अंडे ऊपर ना बैठने की वजह से इनफर्टाइल हो गया। इसकी भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है। और ये कैसे हैं जी, सेम कंडीशन सबके साथ हुई है। ये अंडे ठंडे हुए पड़े हैं जी, तो फीमेल या पेड़ अंडों पे नहीं बैठा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं नेस्टिंग तो बहुत अच्छी कर रही है, लेकिन अंडों का ये सूरत हाल कुछ खास नहीं है। अब ये वाले भी चेक कर लेते हैं आखिरी मटकी के। तो अजाने होना शुरू हो गए थे जिसकी वजह से मैंने वीडियो को स्टॉप कर दिया था। ओहो चलो जी, तो भी चेक करते हैं जी, तो वैसे ही इनफर्टाइल है जी। इन दोनों को भी चेक कर लेते हैं, ये भी शक्ल से मुझे इनफर्टाइल ही लग रहे हैं। खैर फुल चमक में है लेकिन ख़राब हो चुके हैं। खैर इसके अंदर मेरे ख्याल से बच्चा बनना स्टार्ट भी हुआ था, लेकिन यार पता नहीं क्या इशू बन रहा है इस साल मेरे साथ ना। इस साल लगता है किस्मत में ब्रीड ही नहीं है किसी भी परिंदे की। खैर अभी आज कुछ इनका हल निकालते हैं, तो इसको ज़रा सही तरह से अटका देते हैं। आप देख सकते हैं नेस्टिंग भी अच्छे से डाली हुई है इन्हें, अच्छे वाली खरीद कर डाली है, लेकिन फिर भी कुछ खास ब्रीड नहीं दे रही है। इस वाले मेल को ज़रा लगता है इन्होंने काफ़ी हर्ट किया होगा, इसकी फैदर प्लकिंग हुई हुई है। तो नीचे आप देख सकते हैं माशाल्लाह काफ़ी हद तक वो पीस भी सही है, अब फूल कर नहीं बैठता है इतना। ये वाला पीस है ऊपर जो बैठा होगा नॉर्मल है। और इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे भी अंडे आ चुके हैं माशाल्लाह, यहाँ पे भी अंडे आ चुके हैं, फीमेल बैठी माशाल्लाह। यहाँ पे भी अंडे होंगे ही, यहाँ पे भी होंगे, यहाँ पे भी उम्मीद है होंगे ही। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं फीमेल सबकी अंदर बैठी हुई हैं माशाल्लाह। इसके अलावा यहाँ पे आपको मैंने बताया एक एक्सपायरी हो गई है लड़ाई की वजह से, वो फीमेल बैठी है। तो ये मेल अकेला और इसमें एक मेल अकेला, तो उम्मीद है कि शायद दोनों को ना मैं एक ही जगह पे कर दूं, इस मेल को भी और इस मेल को भी। और यहाँ पे माया एक पेड़ है, ये ऐसे ऐसे रहने देंगे। तो आज ही मैं इस मेल को पकड़ के इसके अंदर कर देता हूँ आपके साथ ही। देख सकते हैं मैंने पकड़ लिया इस वाले मेल को, काटने की फुल कोशिश है, लेकिन इसी वजह से मैंने ये ग्लव पहन लिया था ताकि काटे ना। और ये लो जी, आप भी जाओ अपने न्यू घर, बल्कि पुराने घर में, यहीं से मैंने निकाला था, अकेला हो गया था। ऐसा दो फीमेल एक्सपायर हो चुकी हैं, और दो काफ़ी दोस्त कहेंगे यार बटेरे कहाँ पे गए, आप बटेरे लेकर आए थे नहीं हूँ, वो कहाँ पे है। तो चलिए वो भी आपको दिखा देते हैं जी, अभी यहाँ से निकलेंगे। कहाँ पे है जी, शायद आपको नज़र आ रहे हूँ, नहीं नज़र आ रहे, कहाँ पे गए, अभी यहाँ पे बैठा हुआ था नीचे यहाँ पे, तो ये भी यहीं पे गायब हुआ। तो अभी देखते हैं, इस साइड पे भी कभी कभार चले जाते हैं इसके पीछे, तो अभी मैं आपको ढूंढ कर दिखाता हूँ कहाँ पे है। ये देख सकते हैं जी बाहर आ गया, इसी केजिस के नीचे चले जाते हैं। माशाल्लाह बिल्कुल हेल्दी एंड एक्टिव चल फिर रहे हैं यहाँ पे। ये मैं इनको यहाँ पे दाना डाल देता हूँ, ये पानी में डाल देता हूँ यहीं पे, यहाँ से बाहर से धूप आती है इनके ऊपर। माशाल्लाह एक्टिव है, कोई इनको मसला नहीं है। एक ज़रा कल हवा काफ़ी चली थी, इसकी वजह से एक ज़रा ना
जो बड़े वाला है वो थोड़ा सा अपने बालों को फुलाकर बैठता है, लेकिन एक्टिव भी सबसे ज़्यादा वही है। अब देखना ये क्या करेगा, कैसे उछल उछल कर जाता है ये। इसको मैं हाथ लगाने की कोशिश करूँ, बहुत डरता है ये। तो यही थी, यहाँ पे भी हमारी भीड़ आ चुकी है, इन्हें भी हम बंद कर देते हैं इस वक्त, क्योंकि ये बाहर ना निकलें तो काफ़ी ये ना एग्रेसिव मूड में भी आ जाती हैं। तो अभी आज हम इन्हें कैल्शियम पी वाला सीरप वाला पानी देंगे। तो उम्मीद है कि आपको मेरी अच्छी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल पर नया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।